याद पश्चात हुए शहीद स्मारक स्थल पर शहीद स्मारक बनाने के संबंध में और जो 13 किसान हमारे शहीद हुए उनका एक बहुत भव्य स्मारक यहाँ पर बना। मैं समस्त कमेटी का धन्यवाद, अध्यक्ष जी का धन्यवाद और जो किसान यहाँ पे आए हैं उनका धन्यवाद, जो हमारी बहनें बच्चे सब आए उनका धन्यवाद और जो लोग भी आ रहे हैं पुलिस प्रशासन के लोग, एलआईयू के लोग और पत्रकार बंधु, खास करके जो सोशल मीडिया के लोग हैं, क्योंकि इनका भी बड़ा इस आंदोलन में 13 महीने के आंदोलन में इनका बड़ा योगदान रहा। कुछ जो इशू है, क्योंकि हरियाणा का एक बहुत बड़ा योगदान इस 13 महीने के आंदोलन में रहा और खास करके जो खाप पंचायतें हमारी है, जो खाप व्यवस्था हमारी है, उनका बड़ा योगदान इस आंदोलन में रहा। बहुत लोगों ने उकसाने का काम भी करा खाप पंचायत के अध्यक्ष, और उन्होंने कहा जी आप एसकेएम में शामिल हो जाओ, उसके निर्णय में शामिल हो। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खाप पंचायत को, उन्होंने कहा कि ना हमारा काम खाप पंचायत का काम है एसकेएम को, जो किसान पूरे देश सारा को सपोर्ट करने का हम उनके पीछे खड़े हुए हैं, जो भी फैसला करेगी वो एसकेएम करेगी, सरकार से जो बातचीत करेगी वो एसकेएम करेगी। और हमने भी ये कहा, सब लोग ने कहा, क्योंकि हम भी खाप पंचायत से ताल्लुक रखते हैं, जब 28 तारीख के बाद की घटना हुई तो हमने कहा कि जब घटना कोई होगी जो हमारे पंच है और पंच है हमारे वही रहेंगे, जो खाप पंचायत का निर्णय था, ना हमने पंच बदले बीच में और ना हमने मंच बदला, हमारा मंच भी सिंगूपुरा रहा और हमारे पंच भी एसकेएम के जो 40 लीडर हमारे थे वही हमारे 13 महीने के आंदोलन में उन्हीं से अगुवाई की, उन्हीं से एक बड़ी लड़ाई लड़ी और उन्हीं से बड़ी लड़ाइयों की जीत की तरफ हम गए। हमारे इस आंदोलन में जो बड़ा योगदान रहा, जो व्यवस्थाओं का, जो लंगर का जो योगदान रहा, जो गुरुद्वारा व्यवस्था थी, जो बाबे थे उनके, अगर हमारे वहां पे गुरुद्वारों की व्यवस्था बाबे जिस तरह से लंगर प्रसादा चकाते थे उन पे ना होते तो हो सकता था कि 13 महीने तक हम वो आंदोलन चला पाते, उनका बड़ा व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि हर आदमी का उसमें सहयोग था, आप अपने तरीके से सबने सहयोग करा। यहाँ के बहुत हरियाणा के बच्चे थे जिन्होंने गाड़ी ली और वे लस्सी और दूध ढोने का काम करते थे रोज, उन्होंने अपनी गाड़ियां तक तोड़ दी, लोग भी सी उसके थे, लड़ाई लड़ने वाले लोग भी थे, जो हमारी माताएं बहने गांवों में रहती थी और जब वो रोटियां पोती थी तो रोटी की थाप में उनसे आवाज आती थी कि दिल्ली में आंदोलन चल रहा, वहां पर भोजन और प्रसादा भेजना है। तो सब लोगों का, क्योंकि ये आंदोलन वैचारिक क्रांति था, ये विचार से उत्पन्न आंदोलन था, इस आंदोलन में 3 पीढ़ियां एक साथ जुड़ी। इसमें क्योंकि ये फेसबुक का, ये ट्विटर का, ये मोबाइल का उसका जमाना आ चुका था, बच्चों की पढ़ाई कोरोना काल में खत्म हो गई थी, बच्चे मोबाइल पे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो छोटे छोटे बच्चे जो क्लास के थे वे पढ़ाई करते थे, यूट्यूबर के माध्यम से उस पर खबरें आती थी, पापा पे बड़ा फोन नहीं होता था दादा पे और बच्चे पे फोन होता था, तो दादा बच्चे को कहता था पोते को कि मुझे खबरें सुना आंदोलन की। तो सर 2 पीढ़ी जुड़ी, इसलिए ये आंदोलन गांव गांव तक गया, सोशल मीडियम के माध्यम से गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडियम के माध्यम से गया और पूरे देश में जब एसकेएम कोई कौन देता था, हम तो लोग यहां पर रहते थे, लेकिन झारखंड में आदिवासी क्षेत्र में कर्नाटक तमिलनाडु आंध्रा वहां पे लोग टेक टू से इसमें आंदोलन में हिस्सा लेते थे, जो भी यहां से कॉल होती थी ये नहीं होती थी, सब जगह इस आंदोलन की गूंज थी, इस आंदोलन की भागीदारी थी, इसकी आवाज सुनाई देती थी। और आपने देखा होगा कि जो अभी घटनाक्रम 2 दिन पहले कर्नाटक में हुआ, कल करीब 16 स्टेट में जहां की अभी खबरें आई हैं, 16 स्टेट में लोगों ने अपने
अधिकारियों को वहां पे अपनी सरकारों को आप अपनी भाषा में ज्ञापन दिए, ये हो गया। तो इसका मतलब आपका स्कैम, आपका आंदोलन बहुत मजबूत है। खा पंचायतें हमको इनकी व्यवस्था मजबूती के साथ में बढ़ाकर रखनी पड़ेगी। जो हमारे शहीद लोग हुए हैं, ये पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा आप हुआ है, पहले से भी लोग शहीद हुए, जो कनेडा कांड है, उससे पहले के जो कांड है उसमें अभी बताया अपने दीपिंदर भाई बता के गए कि उनको नौकरियां नहीं मिली। कुछ लोग रहे हैं जो यहाँ पे भी हमको बता, उनकी व्यवस्था करें, उनको भी शहीद का दर्जा दें और उनको भी इस मामले में शामिल करें। जो लोग आंदोलन के दौरान शहीद हुए, छूट गए हैं, तेलंगाना की सरकार से बातचीत हुई थी, उनको हम लेकर आए थे और करीब 750 किसानों को जो पैसे दिए गए हैं, या कुछ और लोग रह रहे हैं, या भूल चूक लेनी देनी रहेगी, कोई लोग हो रहे होंगे, घायल होंगे जो होंगे, तो उनको भी उनसे बातचीत होगी, वो दिलवाएंगे, क्योंकि एक आर्थिक मदद एक सहयोग हो जाता है। लेकिन जो लोग हमारे शहीद हुए, जो परिवार शहीद हुए, हमारी सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि उनके परिवार का ख्याल रखें, जब बच्चों की शादियां हों तो उस टाइम पर उनका ध्यान रखें, एक इस तरह का फंड जरूर हम व्यवस्था करें कि उनके पास में कुछ फंड चला जाए। यहाँ पे स्मारक बनने की बहुत खूबसूरत और सुंदर स्मारक आपने बनाई, यहाँ पे जो खाप है उसने दोगामा खाप ने अपना ट्रैक्टर भी रखा, जो आंदोलन में वहां ट्रैक्टर गया। लेकिन हमारा ये है कि अभी कुछ फंड आपके पास मांगा, इसके ऊपर एक इसी तरह का बड़ा हॉल इसके ऊपर बन जाएगा, उस हॉल में पुस्तकालय आप लगाओ, बच्चे वहां पे पुस्तकें पढ़े, वहां पे बिजली का कनेक्शन आप लेके परमानेंट रहे, एक आदमी को किसी को तनखा पर रख लो तो बच्चे पढ़ाई का काम भी करते रहेंगे और इसकी सुरक्षा भी रहती रहेगी, इसकी साफ सफाई भी रहती रहेगी और किसी एक आदमी को रोजगार भी मिल जाएगा। हो सकता है कि ये स्कूल है इसी के माध्यम से किसी एक यहाँ पे इसको टच करवा देना कि स्कूल ही उसकी व्यवस्था देखेगा, तो एक जो क्लर्क होगा वो यहाँ पे देखता रहेगा, आपको पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ देगी, एक स्कूल का ही पार्ट वो बन जाएगा, एक पुस्तकालय वहां पे बन जाए, या यहाँ नीचे जगह होगी तो यहाँ पे बन जाए, तो बच्चे वो अपना पुस्तकालय में अपना तो पढ़े, किताबें पढ़े, तो ये चीजें हो सकती हैं। और आपने अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम करा, हरियाणा बहुत मजबूत आंदोलन में हिस्सेदार रही, बहुत मजबूती से हरियाणा के लोग आंदोलन लड़ते हैं। यहाँ पे युवाओं को जाते हैं इसलिए वो नहीं करते कि युवाओं को तो अगर छोड़ देंगे तो ये तो बहुत ही स्पीड से चलने वाले लोग हैं, हरियाणा के लोगों को शांत करके रखना पड़ता है। हमको पता है कि 13 महीने हरियाणा के लोगों को कैसे हमने शांत रखा, बिल्कुल अगर इनको ज्यादा सा सहारा दे दे ये तो ज्यादा काम कर देंगे। लेकिन हरियाणा के लोग हमको कहते थे कि जी आपने हमारा नाश कर दिया, आप कुछ नहीं करने दे रहे, हम तो 6 दिन में इधर से इधर कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, हरियाणा 5-6 दिन से ज्यादा आंदोलन चलाने में सामर्थ्य है ही नहीं, वो तो 4-5 दिन में तोड़ फोड़ करके इधर से उधर निकलता है। लेकिन हरियाणा के लोगों ने शांतिपूर्ण आंदोलन करना सीखा और हमने दूसरी चीजें ये भी बताई, हरियाणा बहुत पैसा खर्च करता है, चंदा इकट्ठा करता है, हमने कहा कि गांव का धन गांव में रहेगा, किसी भी बाहरी आदमी को आप चंदा ना दो, आपका गांव मजबूत रहेगा तो संगठन मजबूत रहेगा। कमेटी बना के 3 आदमी के नाम पे बैंक में अकाउंट खुलवाओ, उसमें गल्ले से चंदे से वहां पे पैसा इकट्ठा करो, जहां जब जरूरत होगी आप अपने गांव का धन अपने आप खर्च करो। बाहरी आदमी आएंगे, बहुत लोग आए, हम नाम नहीं लेना चाहते, यहाँ पे वे चंदा इकट्ठा करके लेंगे और पूर्ण रूप से आज भी हमारे लोग जेलों में बंद हैं। तो अपनी व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से, आंदोलन शांति से होता है, बंदूकों के उसके आंदोलन अब खत्म हो गए, वो आंदोलन ना चलते, हिंसक आंदोलन ना चलते, ना देश में उनकी व्यवस्था है, हम शांतिपूर्ण तरीके से चाहते हैं। और हमने बैठा के किसी के बैठने की क्या परिभाषा है, अगर मेहमान दामाद बटेव घर में आ जाए वो तीसरे दिन हलवा खाकर मिलाई लेकर भी ना जाए तो वही भारी दिखने लगता है कि बटेव ने हलवा भी खा लिया, दूध भी पी लिया और ये कह रहा है कि मैं अभी 5-10 दिन और रहूंगा, तो वही भारी दिखता है। जब बटेव भारी दिख जाता है हमको, लड़की अगर बगैर उसके बताए घर पे आ जाए
तो माँ बाप को भी दिक्कत होती है, बिना बताए लड़की आ रही, क्या बात है, उसे कह लगते अपनी लड़की को ये कब जाएगी, और वो ये कह देना मेरा अभी तो नहीं जाने का प्रोग्राम है, तो उसी से टेंशन मान लेते हैं। तो ये तो जो किसान संगठन है ये तो सरकार के बटे हुए हैं, तो जिससे बाहर बैठ जा उसका इलाज करे बिना छोड़ाते हैं। तो अपनी ताकत को पहचानो और संगठित तरीके से, आपका मजबूत संगठन है इसको बचा कर रखा। टिकैत साहब हमेशा कहते थे कि जिस दिन पंजाब खड़ा हो जाएगा और हरियाणा उसके साथ में आ जाएगा, उस दिन इस देश के किसानों के भाग्य का फैसला उस दिन से लिखा जाएगा। लेकिन उनके टाइम पे ये चीजें नहीं हुई, उनके टाइम पे हरियाणा का भी कुछ पार्ट आता था, राजस्थान आता ही नहीं था, मध्य प्रदेश कुछ क्षेत्र आता था, पंजाब की कुछ बैंड आती थी, एक हिस्सेदारी एक जत्थेबंदी आती थी। लेकिन अब की बार ये क्या उपरले वाले की मेहरबानी मान लो, क्या हुआ हमको नहीं जानकारी, लेकिन पूरा पंजाब जब इकट्ठा होकर चला उसके साथ में सपोर्ट में हरियाणा खड़ा हुआ, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ, राजस्थान को खड़ा करा गया और एक बड़ी ताकत देश की, एक देश की राजधानी को 13 महीने घेरने का जो इतिहास रचा है, ये आने वाले हजारों साल तक ये इतिहास में दर्ज हो चुका है, इसको कोई काटने वाला अब नहीं है। ये जो आपकी कुर्बानियां हैं, जो 750 लोग हमारे शहीद हुए हैं और हंसते हंसते शहीद हुए हैं, एक हालात यह रही कि बेटा सरहद पर था और पिता यहाँ पर था, तो दोनों सरहद पर थे, लेकिन किस किस नाम से पुकारा गया, इसमें बहुत से एक्सपीरियंस हुए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने गांव की कमेटियां बनाओ, संगठन बनाओ, अपने खापों के संगठन को मजबूत करो, क्योंकि हजारों साल से खाप संगठन ही इस देश के लिए लड़ता हुआ आ रहा है, हमेशा उसी ने दूसरे आक्रमणकारियों के आक्रमण को रोक के उनके साथ में लड़ाइयां करी, चाहे वो देश की आजादी की लड़ाई हो या उससे पहले जितने भी बादशाह बाहर से आए उनकी लड़ाइयां हो, तो खाप पंचायतों की बड़ी लड़ाइयां बड़ा योगदान रहा है। तो आपके साथ में सभी का धन्यवाद, और जो युवा है उनको भी धन्यवाद, जो ट्रैक्टर चलाने में शर्म करते थे आज ट्रैक्टर चलाते हुए गर्व महसूस करता है कि मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ, अपने ट्रैक्टर को, अपने खेत के औजारों को, अपने खेत को संगवा के रखो, अच्छी तरीके से रखो, उनको बेचो ना, उन पर रंग रोगन करके रखो, जैसे पंजाब में लोग रखते हैं उसी तरह से आदान प्रदान रखो, पंजाब से आना जाना रखो, उनसे बहुत सी चीज हमको सीखने को मिलती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खाप पंचायतों का धन्यवाद, समस्त जो अध्यक्ष है उनका धन्यवाद, जो हमारी बहनें बैठी हैं इनका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय खाप पंचायतें, जय नौगांव खाओ।